हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ माय प्लेट। तो आज हम बनाएंगे एक मलाई करी, जो कि एक बहुत आसान रेसिपी है और ये बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट से बनता है। चलिए एक मलाई करी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन गरम करते हैं। पैन गरम होने के बाद इसमें 2 स्पून ऑयल डालते हैं। ऑयल गरम हो जाने के बाद इसमें 2 बड़े प्याज और 2 हरी मिर्चों की पेस्ट डाल देते हैं। थोड़ा कलर चेंज होने तक प्याज को भूनना है। प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसका कच्चापन जाने तक इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद करके इसमें 1 कप दूध डाल देते हैं। और मसालों में मिला लेते हैं। दूध के जगह आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अभी गैस का फ्लेम ऑन करके 2 मिनट तक दूध के साथ मसालों को पका लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं। सबको अच्छे से मिला लेते हैं और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेते हैं। ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें उबले हुए अंडों को बीच से काट के एक एक करके डाल देते हैं। दूसरे रेसिपीज में अंडों को फ्राई करके डाला जाता है, बट इस ग्रेवी में बिना फ्राई किए हम डाले हैं। इससे ग्रेवी में अलग ही टेस्ट आता है। और ऊपर से ढक देते हैं। 2 मिनट बाद फिर से अंडों को पलट लेना है। मलाई करी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें धनिया का पत्ता डाल के 2 मिनट लो फ्लेम पे पका लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी एग मलाई करी तैयार हो चुका है। आप इसको रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।